हाय, मैं हूँ श्वेता जुमानी। अब मैं आपको बताऊंगी 2019 के बारे में। अब बहुत इंतज़ार कर रहे हैं ये जानने के लिए कि कैसा होगा 2019। तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, हम सब के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि 2019 का टोटल आता है जुड़ के 3 पे। अब 3 जो है ये जुपिटर का नंबर है। जुपिटर इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट, द वेल्दीएस्ट प्लैनेट एंड ये मनी का नंबर है। सो 3 इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू फाइनेंस। तो फाइनेंसेस अच्छे होंगे। पिछले 2-3 साल से जो डिप्रेशन आ रही है, लोग खुश नहीं है, बिजनेसेस अच्छे नहीं चल रहे हैं, सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा अच्छा चलना, क्योंकि इस वक्त इंडिया भी अपने 72nd ईयर में है। 72 यानी 9। इंडिया का टोटल जुड़ के आता है 3 पे। 3, 9, 6 ये अच्छे कॉम्बिनेशन नंबर्स हैं। तो साल 3 है, इंडिया का टोटल 3 है, अच्छा तो होगा ही। लेकिन अगर हमने अपना नाम फिर से भारत कर दिया और अपने आप को भारत कहने लगे, इतने नेम चेंजेस किए हैं इस गवर्नमेंट ने, ये भी सुन लीजिए कि इंडिया को कर दीजिए भारत। भारत करते ही इसका टोटल आएगा 6 पे। 6 इज वन ऑफ द वेरी नाइस नंबर्स, और नॉट ओनली दिस ईयर, फॉर एवरी ईयर इट्स माय ऑल टाइम फेवरेट नंबर। इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरे नंबर खराब है, बट 6 इज शुक्र, तो शुक्र ही होता है। जब हमारा देश भारत कहलाया जाता था, तब यहाँ सोने की चिड़िया उड़ती थी, तब यहाँ दूध की नदियाँ बहती थी, और नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं कि 2022 तक वो सब होने लगेगा। एंड आई अग्री ऑल्सो विद हिम, क्योंकि 2022 का टोटल जुड़ के आ रहा है 6 पे। सो दिस ईयर ऑनवर्ड्स फाइनेंसेस विल इम्प्रूव। अगर आपके पास जॉब नहीं है, अगर आपका बिजनेस ठीक ठाक नहीं चल रहा है, अगर आपके पैसे कहीं फंसे हुए हैं, तो वो भी आ सकते हैं। और अगर आप लोगों ने तिरुपति बालाजी को अपना पार्टनर बना दिया, फंसे हुए पैसों में भी और कमाए हुए पैसों में भी, जस्ट गिव हिम 1%, 99% आप रखिए, सिर्फ 1% का उनको पार्टनर बना दीजिए। जो भी कमाते हो, 1% आपको तिरुपति बालाजी भेजना है, नॉट टू एनी अदर लोकल तिरुपति टेम्पल्स, ओनली टू तिरुपति। वो पार्टनर बन गए आपके, तो फाइनेंसेस उनका हेडेक है, आपकी लाइफ उनका हेडेक है, आपके बच्चों की लाइफ भी वो संभालते हैं, आपका बिजनेस तो हमेशा वो संभालेंगे ही, बिकॉज ही इज द गॉड ऑफ मनी, लक्ष्मी जी के हस्बैंड हैं। सो पैसों के लिए पैसों के डॉक्टर के पास ही जाएंगे ना, पेट के डॉक्टर के पास तो जा नहीं सकते। सो मेक हिम योर पार्टनर। एंड ऑल बिजनेस प्रमाइसिस पे बालाजी भगवान की फोटो जरूर होनी चाहिए, अलॉन्ग विद लक्ष्मी जी, अकेला उनको मत रखिए। लक्ष्मी जी, बालाजी एंड गणपति एंड ऑफकोर्स 24 नंबर, ये सब आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। सो कमिंग टू दिस ईयर 2019, एज आई सेड, फाइनेंशियली एक अच्छा साल होगा। पिछले 3 सालों से हम आपको कह रहे हैं गर्मी होगी, गर्मी होगी और ठंडी होगी। इस साल हम लोग आपको कह रहे हैं कि तूफान हो सकता है, एक्सट्रीम क्लाइमेट्स हो सकते हैं, क्योंकि जुपिटर जो प्लैनेट है, इट इज़ अ बिग प्लैनेट फुल ऑफ गैसेस, सो देयर इज अनस्टेबिलिटी। बारिश होगी तो ज़्यादा होगी, तूफान होगा तो ज़्यादा होगा। इन शॉर्ट, वेदर गॉड्स आर नॉट गोइंग टू बी वेरी हैप्पी, सो बी वेरी केयरफुल। जितना अपने आप को हम संभाल सकते हैं, नहीं तो कुदरत के सामने तो किसी की चलती नहीं है, बट टेक प्रॉपर मेजर्स टू सेफगार्ड योरसेल्फ फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। जनरली तो हम सबके लिए ये साल अच्छा है, लेकिन खास करके जो लोग 3, 6 या 9 तारीख के डेट्स पे पैदा हुए हैं और जो पाइशीन एंड सैजिटेरियन हैं, इनके लिए कुछ खास हो सकता है। और सबसे पहला नाम जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो है संजय बी जुमानी। जी हाँ, वो भी नंबर 3 है और ये भी नंबर 3 है। सो यू कैन हैव मच मोर जुमानी जादू, जो अब तक आपने देखा है, इंशाअल्लाह उससे कई ज़्यादा देखेंगे। इंडिया के साथ साथ चाइना के लिए भी ये साल अच्छा होने वाला है। सो हो सकता है और चाइनीज़ आइटम्स आएँ, जबकि आपको नहीं करना चाहिए ऐसे। अगर मैं कुछ वर्ड्स यूज़ करूँ इस साल को सिर्फ एडजेक्टिव्स में डिस्क्राइब करने के लिए, तो आई विल से पावर, सक्सेस, मनी, एक्सलेंस, डोमिनेशन, डिटर्मिनेशन, हार्डवर्क एंड गुड रिजल्ट्स। हार्डवर्क के बगैर ये मत सोचो कि 2019 आ गया है तो आप मजे करोगे और पैसे आते जाएंगे, नहीं। 3 नंबर इज अ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग नंबर। एज आई सेड, मेरे ब्रदर तो हैं ही, लेकिन रजनीकांत एक सबसे बड़े एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ, किस उम्र से मेहनत कर रहे हैं, अभी तक करे जा रहे हैं। सो 3 नंबर इज अ हार्ड वर्किंग नंबर। अगर आप हार्डवर्क करोगे इस साल, तो जितना सोचा है उससे दुगना आपको मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। इंदौर एंड पुणे, जहाँ की मैं हूँ, हम लोगों के सिटीज़ के लिए भी ये साल खास अच्छा होगा, बिकॉज पुणे एंड इंदौर टोटल्स टू नंबर 6।
जो लोग खुद का व्यवसाय कर रहे हैं, खुद के बिजनेसेस हैं जिनके, वो खासकर अच्छा करेंगे। 2019 उन सब के लिए अच्छा है जिनके खुद बिजनेसेस हैं, लेकिन दूसरे बिजनेसेस जो अच्छा करेंगे उनमें है बैंकिंग। आपको पता है पिछले साल कितने बैंक्स डिप्रेशन में आए थे, पैसे खत्म हो गए थे, कर्ज में आ गए थे, लेकिन इस साल आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, यू विल डू बेटर। बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस, इवन आपका LIC पॉलिसीज एंड फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस बहुत अच्छा करेंगे। स्कूल की फीस आप लोग बहुत कमाएंगे। एंटरटेनमेंट के साथ साथ ये गुरु का भी नंबर है। सो गुरु यानी कनेक्टेड टू स्पिरिचुअलिटी एंड स्टडीज। सो गुरु मीन्स एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जहाँ पर भी आप कुछ भी नॉलेज बेच रहे हैं, कोई चीज़ बेच रहे हैं, इवन एक सुई बेच रहे हैं, आपकी इंडस्ट्री अच्छा कर सकती है। एनीवेयर वेयर बिजनेस इज कनेक्टेड। शेयर मार्केट बहुत अच्छा कर सकता है, स्टॉक्स हाई हो सकते हैं, लेकिन प्लीज उसमें डालिए मत, क्योंकि आप शेयर मार्केट के लिए आपका नंबर अच्छा है कि नहीं वो पता नहीं है। सो डोंट इन्वेस्ट योर हार्ड अर्न मनी इन शेयर्स। गोल्ड भी इस साल हमें उम्मीद नहीं है कि कुछ ज़्यादा करेगा। इस साल का स्टोन है एमेथिस्ट। यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि मैंने ये एमेथिस्ट अपने पास रखा है अपने ऑफिस में इतना सा, लेकिन मेरे ब्रदर संजय बी जिवानी के ऑफिस में एक लाइफ साइज एमेथिस्ट है, ऑलमोस्ट उनके हाइट का, बिकॉज ही इज अ नंबर 3, तो उनको ज़्यादा सूट करता है। आई हैव ब्रॉट दिस एंड आई एम फीलिंग हैप्पियर, गुड थिंग्स हैव हैपेंड, तो मैं भी एक बड़ा वाला खरीदूंगी, दैट्स अ नेक्स्ट स्टोरी। आप लोग सब, इतना छोटा एमेथिस्ट मिलता है और बहुत महंगा नहीं है। ऑफ कोर्स ये किलो के हिसाब से खरीदोगे तो महंगा है, लेकिन अगर आप कोई भी दुकान से छोटा सा एमेथिस्ट खरीदोगे बहुत महंगा नहीं आएगा। 3 से 5 कैरेट का हर इंसान अपने पास रख के ट्राई कर सकता है, शायद आपको सूट होगा, शायद नहीं होगा। सो 8 दिन के लिए हम सबको कहते हैं आपका स्टोन अपने जेब में रखिए, अच्छा लगा तो ही रिंग बना के पहनिए, या तो आप उस ज्वेलर को वापस दे सकते हैं। सो एनीवे, इवन पिज़्ज़ा हट या कोई भी दुकान है जहाँ लिक्विड एंड सॉलिड कैश है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स अच्छे चल सकते हैं। बॉलीवुड के लिए भी ये अच्छा साल है वेयर मनी इज कंसर्न, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले साल के जैसे क्वालिटी फिल्म्स की मैं गारंटी आपको नहीं देती हूँ। एक मूवी जो अब मेरे दिमाग में आ रही है वो है भारत। भारत इज कमिंग टू नंबर 15। सलमान खान इस वक्त अपने 54th ईयर में है, 54 यानी 9, एंड ही इज अ नंबर 9, तो उनकी भारत 2019 में बहुत अच्छा करेगी, क्योंकि 2019 टोटल्स टू 3। भारत के साथ साथ सलमान खान की बारात भी आ सकती है, आई तो इस साल आ जाएगी उनके बर्थडे से पहले। आप सबको बेसब्री है उनकी शादी कराने की, बट आई डोंट थिंक ही इज सो इंटरेस्टेड, लेकिन हाँ अगर मिली कोई लड़की तो इस साल जरूर उनकी शादी हो सकती है, बिकॉज ही इज इन वन ऑफ हिज लकी ईयर्स। जैसे वो 45th ईयर में उन्होंने दबंग दी आपको, एंड बिग बॉस भी उसी वक्त। सो हियर्स विशिंग ऑल द बेस्ट टू सलमान भाई। एंड शाहरुख खान जी भी अपने 54th ईयर में चल रहे हैं अभी, सो इस साल शायद वो भी अच्छा करें, उनकी मूवी सल्यूट आ रही है, लेकिन शायद IPL में इस बार KKR दोबारा आ सकती है। आमिर खान जी अपने 54th ईयर में है मार्च तक, उसके बाद शायद कुछ अच्छा टाइम आए, पिछला साल कुछ खराब था उनके लिए, क्योंकि मूवी रिलीज की गई थी थग्स ऑफ हिंदुस्तान 8 तारीख को। यहाँ फिर से मैं आदित्य चोपड़ा जी को कहूंगी, आपके फादर यश चोपड़ा जी इतने सालों से न्यूमरोलॉजी फॉलो करते हैं, अच्छी अच्छी मूवीज डर में RRR डाल के डेट देख के सब कुछ करते थे, सो आप भी थोड़ा ध्यान रखिए, डोंट रिलीज ऑन एज एटलीस्ट। इफ यू डोंट बिलीव इन न्यूमरोलॉजी कोई बात नहीं, लेकिन एक बात याद रखिए, 4 and 8 से दूर रहिए, ब्लैक एंड रेड से दूर रहिए। चाहे आप और कुछ विश्वास करो नहीं करो, ये चीज़ों पर जरूर विश्वास कीजिए। इस साल आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना है पर्पल कलर। मुझे पर्पल थोड़ा कम पसंद है, लेकिन मैं पेन हमेशा पर्पल कलर के यूज़ करती हूँ। सो यू कैन यूज जस्ट अ पेन और कीप अ लिटिल नैपकिन विद यू और समथिंग ऑफ पर्पल कलर विच विल हेल्प यू। येलो भी ये साल के लिए अच्छा है, क्योंकि सैजिटेरियंस को 3 and 1 दोनों रूल करता है, सैजिटेरियंस और रूल में नंबर 3। व्हाइट एक न्यूट्रल कलर है जो आपको हमेशा अच्छा खुशी देगा, लेकिन आप लोग जानते हैं कि मेरा फेवरेट कलर, ऑल टाइम फेवरेट, इज ब्लू। सो ब्लू कलर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं आप, साल कोई भी हो। एंड 24 नंबर, साल कोई भी हो, 6 नंबर जादू अपना हमेशा दिखाएगा। सो ऑलवेज थंब के नीचे 24 लिखिए एंड अपने घर के साउथ वॉल पे 24 लिखिए। ये बोलते बोलते मैं नहीं थकूंगी, आप लोग में से कई लोग ये ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो
तो नए लोगों के लिए दोबारा रिपीट कर रही हूँ, कुछ ना कुछ ब्लू बॉडी पे जरूर पहनिए। 24 अपने थंब के नीचे लिखिए, बॉडी पार्ट कुछ भी दर्द हो रहा है, हेडेक है, पीठ दर्द है, कहीं भी पैर दर्द है, 24 लिखिए। कुछ ज्यादा मेजर है तो प्लीज डॉक्टर के पास जाइए, लेकिन 24 इज अ मैजिकल एंड ब्यूटीफुल नंबर जो आपको लक लेके आएगा। इस साल जब हम लोग डायरीज में डेट लिखते हैं या डे टू डे लाइफ में हम लोग डेट लिखते हैं, हो सके तो 2019 ना लिखें, क्योंकि ये जो ऑक्टेव है ऑफ अ नंबर 3, इट मींस अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस एंड नॉट सो इजी नंबर। सो आप सिर्फ एपोस्ट्रोफी डाल के 19 लिखेंगे कैलेंडर में या कहीं भी जहां आप डेट लिखते हो, तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि बच्चा हो जाए लेकिन अगले साल हो या एक दो साल बाद, तो अब कर लीजिए, क्योंकि 2019 इज अ वेरी गुड ईयर टू हैव अ बेबी, क्योंकि द चाइल्ड इज गोइंग टू बी बॉर्न इन अ लकी ईयर। और जिनके बच्चे ऑलरेडी हैं, इस साल आप थोड़ा निराश होंगे, क्योंकि इफ दे आर इन हायर क्लासेस 9th 10th और इन कॉलेज, थोड़ा पढ़ाई से ध्यान हट जाएगा और पैसे की तरफ जाएगा। इस साल सबको अंबानी बनना है, इस साल सबको बिल गेट्स बनना होगा, स्पेशली इफ यू आर बॉर्न ऑन स्ट्रॉन्ग नंबर्स लाइक 1, 3, 5, 6, इन लोगों के दिमाग में पैसा 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 दौड़ेगा। सो इट्स अ गुड थिंग ऑल्सो, क्योंकि पैसे के बगैर होता क्या है। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो ये साल हमारे लिए अच्छे होने के बहुत चांसेस हैं, स्पेशली वर्ल्ड कप में, बिकॉज 1983 में हमारा फर्स्ट वर्ल्ड कप आया था, 1983 का टोटल था 3, ये साल 2019 है जिसका टोटल है 3। प्लस दूसरे स्पोर्ट्स में भी हम अच्छा कर सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि 3 नंबर गिव्स यू अ लॉट ऑफ एनर्जी। सो 3 नंबर के लोग फ्री नहीं बैठ सकते हैं, दे हैव टू जॉग, वॉक, एक्सरसाइज, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, या बिजनेस में वर्कोहॉलिक्स होते हैं, या तो फिर एक्सरसाइज में या बॉडी बिल्डिंग में, या कीपिंग फिट इज वॉट दे लाइक टू डू एंड वर्किंग ऑल द टाइम। सो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को भी आई विल गिव माई थम्स अप, वी विल डू गुड इन द स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। गॉड ब्लेस यू, wish you all a very happy new year. Thank you so much.